आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे पहले जो चेम गोइयां थी या इदारों के हवाले से बातचीत की जा रही थी, अब जाहिर अदालती हुक्म भी था। तो बात यह है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पाकिस्तान में कई इलेक्शन मंत्री हो गए हैं और मुझे नहीं लगता अभी भी कि ये इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद भी हुकूमत की कोई नीयत इलेक्शन कराने की है और इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाएंगे। आप देखें कि इससे पहले भी हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का जो था वो शेड्यूल सब कुछ होने के बाद उन्हें इलेक्शन को मंत्री कर दिया और कोर्ट के आर्डर के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए। तो इस पंजाब के हवाले से तो पीडीएम की जमातें जो है अपनी रजिस्टर का इजहार कर रही हैं, कभी वो अमन अमान को और कभी माली वसाइल को बीच में लाते हैं और ऐसे ऐसे बहाने करते हैं कि लगता नहीं है कि मुझे कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे। और खासकर मैं समझता हूं कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो भी जो है वो मुख्तसर मदद के लिए नहीं आई, बल्कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो इलेक्शन से ज्यादा उनके अजाइम को तोड़ रहे हैं कि जिस तरह वो पंजाब में गिरफ्तारियां कर रहे हैं और हर किस्म की सियासी गतिविधियों पर पाबंदी लगा रहे हैं। आज पीटीआई की रैली के हवाले से भी और पैमरा ने भी जो है इसकी कवरेजी तो की है। तो अभी मेरा दिल तो नहीं मानता इलेक्शन 30 तारीख होंगे, लेकिन अगर हो जाए तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। मुशर्रफ खान साहब, यकीनी तौर पर अभी भी कुछ शकों को शुबात जो है वो मौजूद हैं, हुकूमत का मोड का भी आपने जिक्र किया है, लेकिन अदालती अहकाम हैं जिस पर अमल दरामद करवाना इदारों पर जरूरी है, इलेक्शन कमीशन पर जरूरी था, जिसके तहत और जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, अब क्या रास्ते हैं हुकूमत के पास इसे मंसूख करने के हवाले से? तो एक हुकूमत रिव्यू पिटीशन में जा सकती है और अपने मसाइल जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है या अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है, मदम शुमारी के हवाले से भी उनके पास एक जवाब मौजूद है। वो कोशिश तो करेंगे आखिरी वक्त तक इलेक्शन को रुकवाने की, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के होने या ना होने के बारे में जो इवाम है वो भी मुल्क में और खासकर पंजाब में इंतखाबी मुहिम पर ऐसा अंदाज होगा। अब जो उम्मीदवार हैं उसका वो अपनी मुहिम नहीं चला सकेंगे, उन्हें पता नहीं है कि ये इस राजनीति की सूरत हाल में वो अच्छा खासी मेहनत करें और आखिर में इलेक्शन मंजूरी हो जाए। तो ये भी इलेक्शन अगर हो भी जाए तीस अप्रैल को तो गैर यकीनी की सूरत हाल में होंगे और इसका यकीन इलेक्शन पे इंतखाबी उम्मीदवारों को और सियासी जमातों को नुकसान होगा।